स्टॉक इन द न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने इमानी लिमिटेड के स्टॉक को एनालिसिस किया था इंट्राडे बेसिस पे और बताया था कि ये जो लेवल्स है 358 के, इस लेवल्स पे आने के बाद ये स्टॉक नीचे की ओर आएगा। कि जैसे कल का जो कल से पहले का जो एक ट्रेडिंग सेशन था, उस ट्रेडिंग सेशन में इमानी का जो स्टॉक था वो यहाँ से नीचे आ चुका है। एक बार ये जो सप्लाई जोन है ये सक्सेसफुली प्ले हो चुका है। जैसे कि कल का हम ट्रेडिंग सेशन अगर देते तो कल इमानी का स्टॉक ओपन हुआ था 342.05 को और इसने हाई बनाया 350 रुपीज़ का और इसका लो है 342.05 का और ये क्लोज हुआ है 349.10 को। एक यहाँ पे अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल इसने फॉर्मेशन किया है। अब हम चलते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस स्टॉक में। अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये 30 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पर देखिए, ये जो हमने एक लाइन ड्रॉ की थी इसके पहले, जो इमानी का चार्ट एनालिसिस किया था उस पर बताया था 358.91 को यहाँ पर एक सप्लाई है। हम इसके अबव एक स्टॉप लॉस रख के 1 या 2 रुपये का इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले 5 मिनट्स का जो चार्ट होगा उसमें ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन जब मिल जाता है तभी कोई भी ट्रेंड हमें इनिशिएट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब चलते हैं हम 5 मिनट्स के चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं कि सच में ट्रेंड रिवर्सल के जो सिग्नल्स है वो मिले थे या नहीं मिले थे। ये अभी इमानी लिमिटेड का 5 मिनट्स का चार्ट है और 5 मिनट्स के चार्ट पे अब हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और बुलिश कैंडल के बाद एक हैमर जैसा यहाँ पर बना और उसके बाद एक उससे भी ज़्यादा बेरिश कैंडल यहाँ फॉर्मेशन हुआ। तो ये पहला एक साइन था कि हमें इस ट्रेड में एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना था। उसके बाद फिर यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हुआ और स्टॉक ने डोजी को फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की ओर गया और इस लेवल पे आने के बाद 358.93 के लेवल के आने के बाद स्टॉक ये नीचे की ओर गिरता हुआ चला गया और जहाँ तक एक अच्छा खासा शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट यहाँ पर हो चुका है। आज की डेट में ये जो स्टॉक खड़ा है वो 349 पे खड़ा हुआ है और ये स्टॉक अगर फिर से इस सप्लाई जोन में आता है तो हम वहाँ पर एक स्टॉप लॉस के साथ में 359 के प्राइस पे इसे सेल करें और 360 रुपीज़ का 1 रुपीज़ का यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करके यहाँ पर इमामी में और एक इंट्राडे का शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।